धर्म और आध्यात्म की नगरी प्रयागराज कई रहस्यों को संजोए है। यहाँ स्थित मठ मंदिरों की कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसा ही एक मंदिर है ललितेश्वर महादेव मंदिर। प्रयागराज के शक्तिपीठ अलोक शंकरी मंदिर के ठीक सामने स्थित इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग माँ अलोक शंकरी के भैरव स्वरूप में है। ललितेश्वर महादेव में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का दावा है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार तिल तिल बढ़ रहा है। मंदिर के महात्म्य के बारे में वहां के पुजारी बताते हैं। ये ललितेश्वर महादेव मंदिर अलोपी बाग में स्थित है। यहाँ पर जब माँ अलोप शंकरी माता जी हैं, जब उनके दहने हाथ की उंगलियाँ यहाँ गिरी थी, तब भगवान शंकर स्वयं यहाँ पे विराजमान होंगे। ये माता जी के भैरव हैं। माँ अलोप शंकरी के दर्शन करने के पश्चात इनके दर्शन अनिवार्य हैं। देवी पुराण में भी लिखा है कि त्रिवेणी धाम से 2.5 कोस की दूरी पर माता जी की उंगलियाँ गिरी थी और उनसे पश्चिम की दिशा में 50 गज की दूरी पर माता जी के भव भैरव, इनका नाम भव भैरव है, तो ये माता जी के भैरव हैं। ये हर साल बढ़ते रहते हैं। मुझे यहाँ लगभग 10 साल हुए हैं। 10 साल के दौरान लगभग 3-3.5 इंच के करीब ये बढ़ चुके हैं और इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। जो भी भक्ति यहाँ आता है उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। श्रावण मास हो या महाशिवरात्रि हो, यहाँ पर बड़ा भारी मेला लगता है। इस मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का दावा है कि पिछले 20 सालों में इस शिवलिंग के आकार में बढ़ोतरी हुई दिख रही है। इस चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर दराज से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ भक्त भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कई वर्षों से मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों का कहना है कि भोलेनाथ के दर्शन से जीवन की सभी परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ये अलोपिन देवी जी के सामने ये ललितेश्वर महादेव है। ये अलोपिन देवी ललिता जी के ललिता जी मानी जाती हैं। यही ललिता जी हैं और ये ललितेश्वर महादेव हैं उनको देखते हुए, और मैं 15 वर्षों से आ रहा हूँ, इनका लगातार आकार बढ़ता चला जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि 8-10 इंच ये 15 वर्षों में इनका आकार बढ़ा है, और यहाँ आकर के बहुत सुकून मिलता है, बहुत आराम मिलता है और सारे मनोरथ आपके आराम पाते हैं। कम से कम 25-30 साल तो हमें आते हो गया। आकार धीरे धीरे, पहले ये जो आप देख रहे हैं ये लोग, हम लोग अपनी हाइट के हिसाब से देखते थे तब तो छोटे थे, अब तो लगता है कि हाँ थोड़ा ऊँचे हो रहे हैं। जैसे हमारे सर के ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये कि हमें लग रहा है कि ऊपर हो गए। प्रयागराज में वैसे तो कई प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं, लेकिन ललितेश्वर महादेव मंदिर इन सबसे अलग है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो चमत्कारी है। इस शिवलिंग को चमत्कारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार तिल तिल करके बढ़ रहा है, और यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि इस चमत्कारी शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही वजह है कि इस शिव मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग शिवलिंग का जलाभिषेक करके अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। मनीष पालीवाल, ईटीवी भारत, प्रयागराज।